नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हुआ और इसी कड़ी में देश की सियासत का सबसे बड़ा गढ़ कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश से हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा सांसद मंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी 3.0 में इस बार यूपी से एनडीए के कुल 10 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। आपको हम बता दें कि पीएम मोदी की कैबिनेट में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारा होने के बाद जयंत चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जयंत चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। मेरे साथ जयंत चौधरी जी हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डिपार्टमेंट में और उसके अलावा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर के आपका क्या रोडमैप है? और एक आलोचना हो रही है विपक्ष के द्वारा कि सहयोगी दलों को मोदी सरकार में बड़ा प्रतिनिधित्व, अहम प्रतिनिधित्व नहीं मिला है कैबिनेट। विपक्ष का जो काम होता है वो कर रहे हैं, तो वो कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसका मुझे एहसास है, हमारे लोगों को एहसास है। मिलकर हमें काम करना है, स्थिर सरकार सुनिश्चित हो चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो विजन है उस पर हम काम करें, जनता तक जो हमने वादे किए थे वो पूरा करें, और जो हमारे देश की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पे हमारी सरकार खड़ा उतरे। एक आखिरी सवाल, दूसरा, आप चूंकि राज्य मंत्री बने शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में, नीट परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, छात्र जो हैं वो दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आपने अभी भी हालांकि चार्ज ही लिया, लेकिन आप इस पूरे विवाद पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है, तो इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि कितना बड़ा मैंडेट है कि जिस देश की औसतन आयु 29 वर्ष है, स्वाभाविक है कि कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जयंत जी। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो रोडमैप होगा सरकार का उस पर आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ, और साथ में ये भी कि जो आलोचना हो रही है, कह रहे विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।